नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy Z Fold 6 5G versus Google Pixel 8 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Z Fold 6 में 6.04 इंच जबकि Google Pixel 8 Pro में 6.4 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Z Fold 6 में 2.68 इंच जबकि Google Pixel 8 Pro में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Z Fold 6 में 0.48 इंच जबकि Google Pixel 8 Pro में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Z Fold 6 में 239 ग्राम जबकि Google Pixel 8 Pro में 213 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Z Fold 6 में डायनामिक AMOLED 2X जबकि Google Pixel 8 Pro में OLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Z Fold 6 में 7.6 इंचेस जबकि Google Pixel 8 Pro में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Z Fold 6 में 1856x2160px और Google Pixel 8 Pro में 1344x2992px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Z Fold 6 में 176.23% जबकि Google Pixel 8 Pro में 87.13% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Z Fold 6 में 375 पिक्सल प्रति इंच जबकि Google Pixel 8 Pro में 490 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Z Fold 6 में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और Google Pixel 8 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Z Fold 6 में 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Google Pixel 8 Pro की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Z Fold 6 में डुअल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Google Pixel 8 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Z Fold 6 में Adreno 750 जबकि Google Pixel 8 Pro में Immortalized G715 MC10 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Z Fold 6 में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 और Google Pixel 8 Pro में Google Tensor G3 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 12GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Z Fold 6 में 3 विकल्प देखने को मिलता है जिसमें 256GB, 512GB, 1024GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Google Pixel 8 Pro में 2 विकल्प देखने को मिलता है जिसमें 128GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Z Fold 6 में 4400 mAh जबकि Google Pixel 8 Pro में 5050 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Z Fold 6 में 5 कलर्स जबकि Google Pixel 8 Pro में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
जी फोल्ड 6 में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 164,999 रुपीस, 12 गीगाबाइट रैम 512 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 176,999 रुपीस, 12 गीगाबाइट रैम 1024 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 2,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Google Pixel 8 Pro की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 12 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 106,999 रुपीस, 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 113,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 5G है, दूसरा एप्पल आईफोन 15 है, तीसरा एप्पल आईफोन 15 प्लस है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 15 प्रो है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।